गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमकेतुकृत्यं द्वैपायनो गिरःकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतेयम्। तवैवास्मि न जिमामि तया विना इति विज्ञाय राधे। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रतिज्ञापन करता। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रवेशम उष्णोपाद श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रतिज्ञापन करता। हम लोग कल रामानंद संवाद पर प्रवचन कर रहे थे। उसमें महाप्रभु जी और रामानंद परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। कैसे दीनहीन होकर के बच कर रहे हैं। महद विचलनां नृणां गृणां दीन चेतसां निशेषाय भगवन्नन्नथान कल्पते क्वचित्। कल बतलाया था कल यू टोल्ड दिस श्लोक in brief or what he told it mahat vichalna mahat purushon ko apne ashram se mahat purush log apne ashram se kis liye chalte hain vicharan karte hain nirnam grihinam dina chetasam। जो गृही हैं, गृहस्थ अपने गृह के कामों में ऐसे फंसे रहते हैं जो साधु संतों के पास में उनको जाने का समय नहीं है। तृणादपि सुनीच भाव वाले हैं, दीन चेतसां विशेष करके गृही समस्त गृह ब्रह्मचारी बानप्रस्थ संन्यास आश्रम के लोग गृही के घरों में गृहस्थों के घरों में ही भिक्षा के लिए जाते हैं और उन लोगों का पालन पोषण करते हैं। इसलिए कहीं कहीं पुराणों में बतलाया गया है कि यही सर्वोत्तम आश्रम है। महाप्रभु को भिक्षा करना होता है कहाँ करते हैं, किसी त्यागी लोगों के यहाँ करते हैं, ब्रह्मचारी के यहाँ करें, वो तो भिक्षा स्वयं करता है। इसलिए साधु लोग कहाँ जाते हैं भिक्षा के लिए, तो उनको जाना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम के लिए। किंतु गृहस्थ कैसा है, नंद बाबा जैसा महत विचलना
कह रहे हैं कि आप हे गर्गाचार्य जी, आपकी कोई आवश्यकता नहीं थी आने के लिए हमारे घर में, कोई चीज हम देने लायक नहीं है, खाने के लिए भी नहीं आए, भिक्षा के लिए भी नहीं आए, हम लोग दीन हैं इसलिए हमारे घर में आए। विशेष करके एक चीज समझो, जो तृणातपी सुनी चेन्नई है वो वैष्णव की महतों की कृपा को नहीं पा सकता। महत कौन है? सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं महत कौन है? कृष्ण सेवा सेवैक निष्ठता, कृष्ण सेवा में एकमात्र कृष्ण सेवा में ही उनकी निष्ठा है। वे लोग हैं महत। ऐसे महत्पुरुष भाई कृपा भी कर दें और दीनहीन नहीं है, तृणासुन सहिष्णु नहीं है तो ग्रहण नहीं कर सकता। वैष्णव की कृपा को ग्रहण करना भी एक साधारण बात नहीं है, सभी लोग नहीं ग्रहण कर सकते। अभी हम जिस टॉपिक को बातचीत कर रहे हैं, जिस विषय में राय रामानंद संबंध में बातचीत कर रहे हैं, सभी लोग ले लेंगे? कठिन है। उनकी कृपा को ग्रहण करके और उसका व्यवहार कर लेना, जब तक वो तृणादपि सुनिच नहीं होगा, वैष्णव की कृपा नहीं सुने तब तक नहीं होगा। इसलिए वैष्णव की कृपा अत्यंत आवश्यक है, उन्हीं की कृपा से ही उनको जान सकते हैं। इसलिए निशेषाय भगवन अन्यथा, और उनको कोई जरूरत नहीं है निशेषाय, उनका नित्य परम कल्याण करने के लिए है, दूसरे गृह के घरों में जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने सब लोगों को बुलाया, किस लिए बुलाया? अपने लिए बुलाया ना उन लोगों के लिए बुलाया? किन के लिए बुलाया? अपने लिए। किन के लिए? इतने लोगों जो संसार से विश्व से आ रहे हैं, सबको किस लिए हमने बुलाया? उनके कल्याण के लिए बुलाया। जब ये लोग समझेंगे कि इसके लिए हमको बुलाया, तो सहज ही हमारी कृपा को, वैष्णवों की कृपा को उद्धार कर सकते हैं। इसी के लिए एक और परलल श्लोक बतलाया है, आगे बतलाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य जी। वो क्या है? भवत्पिधा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभूता। महत विचलना निर्णय, महत फिर यहीं पर भी महत। बहुत विधा है विदुर, युधिष्ठिर महाराज जी का, आप जैसे महत व्यक्ति, कृष्ण सेवाई कनिष्ठा जिसकी हो वो महत पुरुष, आपके जैसा महत पुरुष बहुत विधा भागवता तीर्था तीर्थी भूता स्वयं प्रभो, आप लोग तो तीर्थ स्वयं स्वरूप स्वयं है, तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने के लिए आपका गमन होता है। जब तीर्थ और साधुओं के संग से, उनके स्नान इत्यादि से, उनकी कामनाओं से जब प्रभाव रहित हो जाते हैं तो साधु संग वहां पर जाते हैं, महत्पुरुष लोग जाते हैं, तीर्थों में स्नान करने के बहाने उनको फिर से तीर्थत्व प्रदान करते हैं, उनके प्रभाव को पुनः ठीक कर देते हैं। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि स्वान्तस्थे न गदाभूता, वो तीर्थीभूत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं? उनके हृदय में गदाभूता, गदा को शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने, अथवा गदति मुरली गदति, बंसी को जो बजाने वाले जो हैं उसे सुंदर तान निकालते हैं, ऐसे बंसी को बजाने वाले धारण करने वाले कृष्ण वो अपने हृदय में धारण करते हैं। इसलिए जहां वह स्नान करता है फिर वो तीर्थ तीर्थ हो जाता है, ऐसे लोग महापुरुषों लोग होते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या महत विचलना नृणांग गृहिणांग दीन चेत साम निशेषाय भगवता भगवतर न था कल्पते? महत महत जो विचलन विचरण करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए,
तो महाप्रभु क्या महत है, अर्थात दूसरे श्लोक में भवत विधा भागवता तीर्थि भूता स्वयं प्रभो तीर्थि कृतवान तीर्थादि स्वांत अस्ति। तो यहां पर भी महत विचलन अंग महत, क्या महाप्रभु महत है, कोई भागवत है न, क्या है, स्वयं भगवान है। क्योंकि राय रामानंद भी पीछे से कहेंगे आकृति और प्रकृति से आप स्वयं भगवान ही माने, और सर्वभाव भट्टाजी को तो अनुभूति है ही है जो स्वयं भगवान है। उन्होंने कहा ये भगवान, ये स्वयं भगवान है। इसलिए यदि भक्त महत्पुरुषों की ही ऐसी दशा होती है जो तीर्थों को तीर्थांत कर देते हैं, तिथि भूत कर देते हैं और लोगों का कल्याण कर देते हैं, तो महाप्रभु जो स्वयं भगवान है इनके संबंध में कहना ही क्या, इस रूप में लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, यदि यदि महाप्रभु के भक्त लोग ही ऐसे प्रभावशाली महत हैं, लोगों का कल्याण कर देते हैं, तो फिर स्वयं जो भगवान है जिसको वो धारण करके इतने महत्पुरुष हुए हैं वो कैसे होंगे, इसको समझ लो। नौ योग मेरे बापी तो आने छिरे पंडित लोग ओम ज्ञान स्मरण ज्ञानंदन शलाखया चक्षुरमृत जन तस्म श्री गुरव नम। श्री गुरुदेव इज कंटिन्यूइंग विथ हिज वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ श्री रॉय रामानंद संवाद। Yesterday, we heard how Sri Chaitanya Mahaprabhu and Roy Ramananda met together for the first time and how they conversed with each other in a very humble mood. At that time, Sri Roy Ramananda uttered a sloka Srimad Bhagavatam that had been spoken previously by Nanda Maharaj to Garuda Acharya. Mahat vichalanam vinam vihinam dina chaitasam nishrayasaya bhagavan nanyata kalpate kochit. It means that those who are Mahat, great souls, they travel around here and there and they meet with those who are Grihastha in the household life, those who are entangled in the noose of their fruitive activities. Being fixed in one place, they have no opportunity to go here and there and meet with sadhus, so sadhus go here and there and meet with them. So here, Nanda Maharaj, in a very humble mood, he said, oh, us householders, we're dina chaitasa. Our consciousness is very low. So, those who are brahmacharis, vanaprastha, and sannyasis, they go door to door and they do bhiksha, madhukari, they beg some alms from those who are in household life. And those in household life, they give some donations. And in this way, they support and they nourish those in the renounced orders of life. And therefore, some Puranas have given the conclusion that this Grihastha ashram, this is uttam, this is the best, because they're supporting and nourishing the others. So, if there were no Grihasthas, no householders, then where would the sadhus go? Where would the brahmacharis break arms? Where would Sri Chaitanya Mahaprabhu stay when he was on his travels? But what kind of Grihasthas? Oh, those who like Nanda Baba, very exemplary and saintly Grihasthas, one who would accept something from them. So here, Nishrayasaya Bhagavan, Nishrayasaya means I know that you do not go to the house of any householder actually for food.
or to receive donations. This is not really the reason. But why? Because we are fallen. You have come to us in order to bestow upon us eternal benefits and spiritual well-being. So Srila Gurudev is making comment here how Nanda Maharaj spoke to Gaurācārya in a very humble mood. And similarly, in a similarly humble mood, Sri Roy Ramananda is speaking to Chaitanya Mahaprabhu. So the teaching here is that unless one has Chinara Pisunich Bhav, the mood of feeling oneself to be utterly insignificant, then it's not possible to receive or accept, to become the receptacle for the mercy of the visiting Vaishnava. कुल मिलाकर साधन और साध्यों को विशेष करके साध्य को चार प्रकार का माना गया. वो क्या चार प्रकार के साधन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. धर्म माने वर्णाश्रम धर्म. ये वर्णाश्रम धर्म. अर्थ वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए जो अर्थ, रोजगार, व्यवसाय, वाणिज्य, नौकरी, चाकरी इत्यादि के द्वारा जो अर्थ आता है, अथवा अर्थ माने यहां पर काम भी, कामना, उसकी पूर्ति हम करते हैं. और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ नहीं है. ये लोग दुखी रहते हैं. इन लोगों का पुनः पुनः जन्म और मरण होता है. विशेष करके इसका निर्णय करने के लिए हम विचार जब करते हैं तो देखते हैं सभी प्राणी दुखी हैं. ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है. मनुष्य जीवन में भी ऐसे मनुष्य नहीं है जो सब प्रकार से सुखी हो. आत्यंतिक दुख निवृत्ति सुख रेव, ये पुरुषार्थ है. सुख सभी चाहते हैं. अलग अलग धारणा उनकी अलग अलग है तो भी सुख एक है. अब उसको शास्त्र जो विचार करके बतलाएंगे जो इसको सुख कहते हैं उसको सुख मानेंगे. अपने मानने से नहीं होगा. इसलिए अचिंत्या खलुजे भावा नस्तांतार के न जोजे बतलाए. उसमें शास्त्र निर्णय करके बतलाएगा जे ये ठीक है, ये साध्य है, ये साध्य है. हम लोग नहीं निर्णय कर सकते. तो जो हम लोग दुखी हैं इसलिए सुख चाहते हैं. धर्म, अर्थ और काम. धर्म के द्वारा जो अर्थ आता है, अर्थ के द्वारा कुछ सुख होता है किंतु दुख उसमें मिला हुआ है. सुख भी नहीं है, सुख और दुख मिला हुआ मिश्र है. तब रह गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. मोक्ष में साइज मोक्ष एक है. इसमें आत्यंतिक दुख निवृत्ति है. इसमें दुख नहीं है. मोक्ष जो हुआ सायुज भगवान में मिलकर के एक होना या जैसे भी उसको मान लो, उसमें अत्यंत दुख निवृत्ति हो गई. और ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म के अनुभूति से उसमें एक सुख भी है. ब्रह्मानंद कहा जाता है, ब्रह्मानंद. तो ब्रह्मानंद एक सुख है. वो प्राकृत नहीं है, प्रकृति से अतीत है.
इसलिए इसमें मान लिया गया कि ये आतंतिक दुख निवृत्ति और सुख रूप है, मान लिया गया, इसलिए इसको हम साध्य मान सकते हैं एक तरह से। किंतु एक विचार इसमें करना है, ये परम साध्य है कि नहीं? साध्य तो है, सुख स्वरूप भी है, आतंतिक दुख निवृत्ति पूर्ण भी है, इसलिए इसको पुरुषार्थ कहा जा सकता है। किंतु परम पुरुषार्थ कहा जाएगा कि नहीं? परम पुरुषार्थ नहीं कहा जाए। क्यों? पहले हम बतलाए हैं भक्ति रस स्वरूप है, कृष्ण रस स्वरूप है, इसलिए जीवों का स्वरूपानुबंधी साध्य साधन अथवा सुख है, ये भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा में दो चीज चाहिए, दो चीज की आवश्यकता है, एक सेवक और सेव्य संबंध और दूसरा सेवा की वासना, और वो भी सेवा की वासना शुद्ध हो। कृष्ण एक तात्पर्यमयी, संसारिक दुख सुख इससे सबसे रहित, अन्नाभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृत, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन, वो रसमयी हो। इसमें देखा जाता है मोक्ष में मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते, है ना? माने क्या? मुक्त पुरुष भी अपना विग्रह बना करके, अपने विग्रह का चिंतन करके, उस अपराकित विग्रह से कृष्ण का भजन करते हैं। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा उप अरुक्रमे कुर्वन्तु अहेतु किं भूतम् इत्थं भूत। मुक्त पुरुष हो गया तो भी भगवान के ऐसे गुण और ऐसी उनकी महिमा है, लीला कथाएं हैं। परम मुक्त लोग भी आत्मा रामस्य मुनयोपि, सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग, सनक सनंदन सनातन जैसे लोगों को लोभ उत्पन्न होता है भगवान की सेवा के लिए, लोभ उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उनका मोक्ष होने पर, पुरुषार्थ होने पर भी वो परम पुरुषार्थ नहीं है। परम पुरुषार्थ है जिसमें उनको पीछे से मुक्त लोगों को भी लोभ उत्पन्न हो जाता है, विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। इसलिए परम पुरुषार्थ क्या हुआ? इसलिए भक्ति हुई। इसलिए इसका निर्णय करने के लिए अचिंत्याजे खलु भावा न तांस्तारके न जोजित प्रकृति भी परम जच्च यत्तु तद अचिंत लक्षण। प्रकृति भी प्रकृति के अचिंत्य है, प्रकृति से अपने आप नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा जे पढ़ो श्लोक, श्लोक पढ़ो। क्यों? गीता में भी कहा गया जस शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामचारत न सिद्धि सिद्धिम आपनोति न सुखम न परागति। जहां पर हम लोग कुछ निर्णय नहीं कर सकते, हम विचार करते हैं कि मद्यपान करने में सुख होगा, शास्त्र कहते हैं कि ये भूल है, मत पियो तुम्हारी दुर्बुद्धि हो जाएगी, तो शास्त्र बात मानो, तुम अपने को जो सुखी समझते वो भूल है, वो पागलपन है। इसलिए शास्त्रम विधि जर शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र की विधियों को मान करके काम में आचरित हो आचरण करता है काम के लिए,
न तो उसकी सिद्धि होती है, न सुखी प्राप्त करता है, न उसकी गति होती है। इसलिए शास्त्रों की बात मान करके चलना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं पढ़ श्लोक साध्य निर्णय। साध्य के निर्णय के लिए हम आपकी मनमानी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। शास्त्रों में जो निर्णय किया गया उसको श्लोक के उदाहरण के द्वारा हमको बतलाओ। अब शास्त्र तो बहुत है, वेद है, वेदांत है, गीता है, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, पुराण इत्यादि है, किंतु सबसे प्रमाण निर्मल क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, प्रमाण है श्रीमद्। इसलिए सर्वत्र शास्त्रों का प्रमाण देने पर भी श्रीमद् भागवत का प्रमाण है तो सर्वोत्तम है, और ऐसा ही इन्होंने किया है। और विषयों में, लौकिक विषयों में तो पुराणों के वचन दिए हैं, किंतु जहां से यो है या आरंभ हो गया यो है, तब वो क्या कहते हैं? भागवत का प्रमाण देने लग जाते हैं। दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं है। राय कहे सर्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति, राय ने कहा, राय रमन स्वधर्म आचरण से विष्णु भक्ति। नाउ यू शुड एक्सप्लेन। यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट इज ईस्ट गोष्ठी। So Srila Gurudev is explaining, when Chaitanya Mahaprabhu and Roy Ramananda met together, they spoke to each other very sweetly, and some time passed, and then one Brahmin approached Sri Chaitanya Mahaprabhu and extended an invitation for him to accept alms in his house. So Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the invitation, so then he took bath, and then he went to the house of that Brahmin. But then, as he had arranged with Roy Ramananda, in the evening time, he went back to that place in a solitary place, and he sat there waiting for Roy Ramananda to come. He's the Supreme Personality of Godhead, but he's waiting very eagerly for Roy Ramananda to come there. So Ramananda writes, this time, he did not come in the same way that he had come before. Before, he came like a king surrounded by his entourage. But this time, he took off his royal dress and just wearing a very simple dhoti and bringing with him one servant, he came to that place. So when he arrived, he told the servant to sit quite far away in the distance. And then, in a solitary place, he sat down with Sri Chaitanya Mahaprabhu so that they could converse about very confidential subjects. So, Prabhupada, Paroslok, Sadhya Nirnaya, Chaitanya Mahaprabhu at once asked from Sri Roy Ramananda, "Oh Ramananda Rai, please quote a verse from Shastra which defines what is Sadhya, the goal of life." So here, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Roy Ramananda Rai, they're setting an example. When sadhus meet together, they don't speak about any mundane things. And if we will go and meet with a sadhu anytime, should not bring up any mundane material topics. If sadhus will meet, they will ask, how is your bhajan? Not about material, how is your material life? No, how is your bhajan this much? So Sri Chaitanya Mahaprabhu posed his question, please quote a verse from Shastra which defines sadhya, the goal of life. And Roy Ramananda replied, so dharma acharne Vishnu bhakti hai. So Srila Gurudev, before explaining the answer of Roy Ramananda, he's bringing up the discussion of what is sadhya and sadhan. There are two words. The word sadhya means an objective in life.
and the practice by which we can obtain the objective that we have selected for ourselves in our life, that is called sadhana. So sadhya is that which can be attained by sadhana, or sadhana is that by which one can attain a sadhya, a particular objective. So there are many types of sadhya, objectives, and corresponding to the many types of objectives, there are many types of sadhans. All types of sadhana do not lead to the same objective. All objectives do not have the same sadhana or process for attaining them. So the goal of life for all living entities is, this is aprakita vishaya, a transcendental spiritual subject matter. And therefore, the buddha jiva, the conditioned soul, cannot ascertain the goal of his life or the method to attain it. It is quite impossible. As stated in Mahabharata, achincha kalu ye bhava natang stakena yojayet. That which is transcendental has a lakshan, it has a symptom. Every transcendental subject has a common symptom, and the common symptom is that it's achintya, completely inconceivable. The material mind cannot think about it. Therefore, achintya kalu ye bhava natang stakena yojayet. It is inappropriate to apply one's intelligence and power of material discrimination to ascertain anything which is transcendental, because everything which is transcendental is inconceivable. So, the conditioned souls, they have no way of ascertaining their sadhana, the goal of their life, because it's transcendental, and therefore they cannot understand what is the sadhana to attain it. So, in Veda Shastra, four types of Purusha-Artha have been mentioned. Four types of objectives. They are called, first of all, Dharma, then Artha, then Kam, then Moksha. Dharma means the performance of prescribed duties which have been recommended by the Vedic scriptures. And specifically, this comes in the form of observing the rules and regulations of varna and ashram, social orders and spiritual orders. So, if one will follow dharma carefully, the result will be that he will get artha. Artha will come. Artha means economic development, security in this world, having so many servants and followers. This is all included in artha. When one acquires economic prosperity, then with this he can go to the next objective, kam. One who is materially successful can try to fulfill his kam, that means material desires. Then the fourth purushartha is called a moksha or liberation. Now, dharma, artha and kama, actually they are not really purushartha, goals of life for the living entity. Why? Because those who attain these goals, they don't find happiness, but rather they simply suffer. Punapi janama, punapi marana. Again and again, they take birth in this material world, and they rotate in the endless cycle of birth and death. So, all living entities in this world are unhappy, without exception. All human beings, animals, and other species, they are all unhappy. And they don't know how to find happiness. They don't know the path, how to become freed from suffering. All the things that they do simply result in pain. And if they get some happiness, this is Mishrita. This happiness is mixed with suffering also. And the result of that happiness is also more suffering. So this is the condition of the living entities. So what is moksha? Moksha, liberation, or mukti, has been defined as atyanta dukkha nivritti, the complete and absolute cessation of all types of suffering.